हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस 3D मॉडल के बारे में। हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आज का 27 फीट बाई 27 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई है और 30 फीट हमारे पास इसकी लंबाई है। 4 BHK का एक छोटा सा घर है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा ये हमारे पास आज का मॉडल है, आज का ये डिज़ाइन है। तो इसी डिज़ाइन के 3D मॉडल के बारे में हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास का 3D में मॉडल रहने वाला है। ये हमारे पास अपना 3D में डिज़ाइन है। ये हमारे पास का फ्रंट है। ये हमारे पास का ये लेफ्ट साइड है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारे पास रहने वाला है इसके राइट साइड। चारों साइड में अपनी प्रॉपर्टी है, तो चारों साइड में इसमें हमने विंडोज़ का प्रोविजन रखा हुआ है। चारों साइड में विंडोज़ रहने वाली हैं। ये हमारे पास अपना विंडोज़ रहेंगे जो कि इसके चारों साइड में ही ये रहने वाली हैं। ये हमारे पास अपना फ्रंट का लुक है। सामने का डिज़ाइन है, सामने का व्यू हमारा ये रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम आपको लेके चलते हैं इस डिज़ाइन के 3D प्लान की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे घर का अंदर का 3D प्लान है, जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो एंट्री है वो इस बरामदे में है। ये हमारा बरामदा है और बरामदे से ही हमने घर के अंदर जाने के लिए यहाँ पर अपना लिविंग एरिया यहाँ पर ये रखा हुआ है, जो कि हमारा अपने गेस्ट वगैरह पर्पज़ से हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। और लिविंग एरिया के अंदर ही हमें यहाँ पर मिलने वाला है अपना ये TV यूनिट का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना TV यूनिट रहेगा, जो कि हमारे पास अपना ये लिविंग एरिया के अंदर ये रहने वाला है। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाला है अपना टॉयलेट का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना टॉयलेट रहेगा, जिसके अंदर हमने वादिंग एरिया को टॉयलेट सीट दोनों को कंबाइंड रखा हुआ है। और ये हमारे पास अपना कॉमन टॉयलेट ये रहने वाला है। ये हमारे पास अपना कॉमन टॉयलेट का फ्रेंड्स ये डिज़ाइन है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है बेडरूम का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना बेडरूम होगा। बेडरूम के राइट साइड में हमें विंडो मिलेगा, बेडरूम के फ्रंट में भी हमें एक विंडो मिलेगा। दो विंडो रहेंगी। दोनों विंडो से हमारे इस बेडरूम का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का फ्रेंड्स ये डिज़ाइन रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम है। यहाँ से फ्रेंड्स से हमने स्टेयर्स को अपकराया हुआ है। यहाँ से जाने वाले हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे पास अपना स्टेयर्स रहेगा और स्टेयर के पास में ही हमें मिलने वाला है ये अपना 6-सीटर डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन। हमें यहाँ पर ये मिलने वाला है। स्टेयर्स के नीचे से भी हमने एक डोर रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम अपने आउटसाइड में बाहर आ सकते हैं। ये हमारे पास अपना राइट साइड में बाहर निकलने के लिए हमने इसमें डोर रखा हुआ है। और ये हमारे पास अपना स्टेयर्स का फ्रेंड्स डिज़ाइन है। साउथ ईस्ट में फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है किचन का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना किचन रहेगा। किचन के अंदर हमें यहाँ पर मिलने वाला है विंडो का डिज़ाइन, तो उस विंडो से ही हमारे अपने इस किचन का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना किचन रहेगा। ईस्ट की तरफ हमारे पास रहने वाला है अपना मंदिर का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना मंदिर रहेगा, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में हमारा मंदिर रहेगा। बेसिकली ये हमारे पास जो प्लॉट है हमारा वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है। वेस्ट फेसिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार किया हुआ है, मीन्स की पश्चिम दिशा का। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना प्लॉट है। पश्चिम दिशा के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है अपना सेकंड बेडरूम। ये हमारे पास अपना सेकंड बेडरूम होगा और इस बेडरूम के अंदर भी हमें दो विंडो मिलने वाली हैं, तो दोनों विंडो से हमारे इस बेडरूम का भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना फ्रेंड्स ये बेडरूम का डिज़ाइन ये रहने वाला है। ये हमारे पास अपना बेडरूम रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर का 3D में प्लान है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम आपको लेकर चलते हैं इस डिज़ाइन के फर्स्ट फ्लोर पर। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर का 3D प्लान है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे कि हमारे पास अपना स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के थ्रू अपने फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, तो हमारी जो एंट्री होगी फर्स्ट फ्लोर पे वो हमारे इसी हॉल के अंदर होने वाली है। फर्स्ट फ्लोर पे हमें यहाँ पर मिलने वाला है अपना एक हॉल का डिज़ाइन। फ्रंट में फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है बरामदे का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना फ्रंट में एक बरामदा रहेगा, छोटा सा बरामदा है। साथ में हमारे पास अपना ये बालकनी का ये डिज़ाइन रहने वाला है, जो कि हमारे पास ये 3 फीट वाइड की हमारी बालकनी रहेगी। कॉमन टॉयलेट रहेगा, जो कि हमारे पास अपना एजेटिज रहने वाला है। जैसा कि टॉयलेट हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर में था, वही टॉयलेट एजेटिज हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर में भी रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर में हमें यहाँ पर एक बेडरूम मिलेगा, सेकंड हमारे पास यहाँ पर बेडरूम मिलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पर हमें इसमें दो बेडरूम मिलने वाले हैं, जो कि हमारे एजेटिज ही हमारे बेडरूम रहेंगे। और बैक साइड में हमें मिलने वाला है यहाँ पर एक बरामदे का डिज़ाइन। ये हमारा बरामदा रहेगा, जो कि हमारे पास ही बैक साइड में ये रहने वाला है। ये हमारे पास अपना बरामदे का डिज़ाइन रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास अपना 3D में हमारा प्लान है, जिसके अंदर हमारे पास दो बेडरूम हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में हैं और दो ही बेडरूम हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर में हैं। दो टॉयलेट हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे है और एक हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। तो टोटल हमारे पास में 4 बेडरूम हैं। 4 BHK हमने इसको डिज़ाइन दिया है। ये फ्रेंड्स अपना एलिवेशन डिज़ाइन है। ये हमारे पास अपना एलिवेशन है, जो कि वेस्ट फेसिंग का डिज़ाइन है। वेस्ट फेसिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। पश्चिम दिशा का वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।